देहरादून से खबर है जहां घंटा घर के सामान चोरी की तहरीर मिलने पर आयुक्त नगर निगम और सीओ सिटी ने फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर जाकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान घंटाघर नियंत्रण कक्ष के डबल लॉक सही पाए गए, जबकि घड़ी और फ्लड लाइट के तारों का कटा होना सामने आया। मौके पर सभी कीमती उपकरण सुरक्षित पाए गए और चोरी या जबरन प्रवेश के साक्ष्य नहीं मिले हैं। दरअसल पुलिस की जांच में पता चला है कि घंटाघर से कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ है, जिसके बाद इस मामले में लाइन हाजिर किए गए। चौकी इंचार्ज को भी चौकी में वापस हो गई। अजय सिंह एसएसपी ने बताया कि मौके पर कोई चोरी की वारदात नहीं हुई है, बल्कि पावर सप्लाई से जुड़े तार काटे गए हैं। बताया जा रहा है कि इस घटना में मुकदमा मंगलवार रात दर्ज किया गया। बता दें कि घंटाघर पर घड़ी और फवारे कई दिनों से बंद थे, जिसके बाद यह मामला पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ था। कई दिन पहले इस मामले में नगर निगम ने मंगलवार को शहर कोतवाली में चोरी का केस दर्ज कराया था। वहीं इस मामले में सीओ सिटी ने दरोगा हर्ष अरोड़ा को क्लीन चिट देते हुए जांच रिपोर्ट एसएसपी अजय सिंह को सौंप दी। कल शाम को धारा चौकी पर नगर निगम के अधिशासी अभियंता द्वारा एक शिकायत दी गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि घंटाघर पर जो सुई है उस पर कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करके कुछ सामान ऐसा किया गया, जिससे कि वहां पर घड़ी भी रुक गई है और उसकी संभावना, चोरी होने की संभावना व्यक्त की गई थी। इसके आधार पर जो जाँच प्राप्त पत्र था रिसीव कर लिया गया था, क्योंकि मामला घंटाघर पर मेन सिटी के शहर के बीच का प्रकरण था और इसको देखते हुए आज जो है सुबह प्रातः नगर निगम के टीम, पुलिस की टीम और एफएसएल टीम को बुलाया गया था और पूरा परीक्षण कराया गया। परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर यह पता चला कि वहां पर घंटाघर में जाने के चार इसमें दरवाजे, इसमें तीन दरवाजे परमानेंट लॉक रहते हैं और एक दरवाजा जो डबल लॉक है, जिस पर पहले बाहर चैनल लगा हुआ है उसके अंदर भी दरवाजा लगा हुआ है और दोनों चैनल गेट और दरवाजा इंटैक्ट पाए गए। साथ ही साथ जो तीन अन्य परमानेंट क्लोज दरवाजे थे वो भी बंद पाए गए। पूरी फोरेंसिक जाँच और समस्त संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण पर पाया गया कि जितने भी सामान वहाँ पर थे, इन्वर्टर, बैटरी या जो अन्य जो कीमती सामान थे, उन सभी कुछ वहाँ पर एज इट इज़ पाए गए। उनके साथ कहीं कोई छेड़छाड़ या कोई चोरी की बात नहीं पाई गई, जिसके द्वारा पूरा इंस्टॉलेशन किया गया था। उस व्यक्ति को भी बुलाकर वहाँ पर निरीक्षण कराया गया, उसके द्वारा बताया गया जितने भी बैटरी और आवश्यक उपकरण है वो सभी मौजूद है, क्योंकि इंस्टॉलेशन उसके द्वारा किया गया था। निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि एक तार जो कनेक्ट करता था क्लॉक को, वो तार कटा हुआ पाया गया, क्षतिग्रस्त पाया गया। इस संबंध में जब पूरा घटनास्थल को निरीक्षण के बाद सीयू टीम में पाया गया, कोई भी फोर्स एंट्री वहां पर नहीं हुई है। ताले इंटैक्ट जो लगे थे वो लगे हुए हैं। जो रास्ता था वो फरवरी में लास्ट पिछली बार इसको खोला गया था और अब जब ये शिकायत प्राप्त हुई थी घड़ी बंद होने की, तब इसको आज खोला गया।